आज मैं बनाऊंगी गेहूं के आटे की पापड़ी। इसको आप चाट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत क्रिस्पी होती है। नमस्कार, भूमित किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए इधर, और लाइक शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है 1 कप। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। इसको थोड़ा हथेली में रगड़ के लेना है। नमक 1 छोटा चम्मच, तेल 2 चम्मच, 2 बड़ा चम्मच आपको तेल लेना है, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आपके हाथों में मुट्ठी बन जाए इस तरीके से आपको मिक्स करना है। इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डाल के गूंथेंगे आटे को। तो इसका एक हार्ड डो बनाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, तो उसी हिसाब से आप बनाइए। देखिए, अच्छी तरह से गूंथने के बाद एक डो बना लेना है। थोड़ा सा सख्त होना चाहिए डो। अभी हम एक बेलन में थोड़ा सा आटा लगा लेंगे। अभी जो बना डो हमारे बना के रखा था, इसको हम एक रोटी बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला रोटी नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो बड़ा सा लोई लेके इसमें बहुत बड़ा रोटी बना लेंगे हम। तो इसका मोटाई रोटी से थोड़ा सा और थोड़ा मोटा होना चाहिए। अभी एक ऐसे काटा छुरी से या फिर फॉर्क से ऐसे हम छेद कर लेंगे। देखिए, पूरे रोटी में इस तरीके से छेद कर लेना है ताकि ये पूरी जैसा ना बने, पापड़ी जैसा बने। तो पूरी तरह से छेद करने के बाद ऐसे ग्लास लेंगे और इसको कट कर देंगे ताकि हमें गोल शेप मिल जाए। अगर आपके पास कुकी कटर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है परफेक्ट शेप, गोल शेप मिल गया है हमें। अभी यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, ऑलरेडी गरम हो चुका है। एक बार गरम होने के बाद आंच को जो है मीडियम रखें, बहुत ज़्यादा तेज ना रखें। और इसको दोनों तरफ से इस तरीके से दबाते हुए फ्राई करना है। थोड़ी देर एक तरफ से फ्राई होने के बाद दूसरी तरफ पलट लेना है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि आपकी जो गैस का फ्लेम है मीडियम ही होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में आप तलेंगे तो बहुत जल्दी जल सकता है। तो लगभग 5 से 7 मिनट आपको लग जाएगा गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इस तरीके से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो वहाँ इतना तक आपको तलना है, और अगर थोड़ा कच्चा निकाल देंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगी। देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो ये रेडी है। अभी मैं निकाल रही हूँ इसको। एकदम क्रिस्पी बनी है ये वाला पापड़ी। आप किसी भी चाट में या फिर इवनिंग स्नैक्स में इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।